प्रश्न है, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो व्हेन ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए बी सी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। ठीक है, इफ वन ऑफ द रूट, इफ वन ऑफ द रूट इज टू आयोटा माइनस वन, इफ वन ऑफ द रूट इज टू आयोटा माइनस वन, क्या अपनी इस पे बात हो गई क्या? हाँ नहीं हुई, कर लेंगे आप लोग? हाँ या ना? अच्छा क्या आप कर लेंगे या मैं करूं? करो 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 करो, स्टार्ट करो फिर, और क्या इससे बढ़िया क्या, फटाफट करो। हाँ तुरंत इक्वेशन बताओ, तो बताओ ये अगर ये कैसा रूट कैसा बेटा, इस रूट कैसा रूट दे रखा है, टू आइटा माइनस वन अगर दे रखा था, ये कैसा रूट है? इमेजिनरी। इधर प्लीज है ना, मैं कुछ जवाब मत देना है ना, मैं जब किसी पूछा करूँ आप मेरे को उससे बात करने दे, है ना, नहीं तो अब मैं क्या उसको डांटूंगा, उसको डांटा तू प्रेशर में आ जाएगा, है ना। टू आइटा माइनस वन एक इमेजिनरी रूट है, रूट इमेजिनरी रूट हमेशा कैसे होते हैं फिर? हाँ कॉन्जुगेट है ना, अगर कॉन्जुगेट होते हैं तो टू आइटा माइनस वन का कॉन्जुगेट क्या होगा? नहीं क्लोज, और ये जानबूझ करके यही शैतानी थी है कि नहीं? क्या एक बार दोबारा तुक्का लगा, एक और चांस, अगर अल्फा इज इक्वल टू, एक दोबारा सुन ले तू, एक बार सुन ले तू जल्दबाजी में, मैं हिंट नहीं करना चाहता, मैं बिल्कुल भी हिंट नहीं करना चाहता, और मैं चाहता भी नहीं कोई हिंट करे, तू ही अपने दिमाग से सोचेगा बेटा क्या हो सकता है, एक और तुक्का लगाया जाए। सही कह रहा है, अगर ढंग से देखा जाए तो हमेशा साइन किसका बदलेगा? आयटा वाले का, तो ये इट इज माइनस टू आयटा माइनस वन, दैट इज माइनस वन माइनस टू आयटा जो ही बोल रहा था, सही कि नहीं? तो हमेशा कॉन्जुगेट के अंदर अगर साइन किसी का बदलेगा तो ये तो अंडर रूट का या आयटा वाले का, क्या बात समझ में आ गई? अब आप में से कितने लोग मुझे बता सकते हैं कि अगर आपके पास अल्फा बीटा दोनों अवेलेबल है तो सबसे पहले निकालोगे अल्फा प्लस बीटा, फिर निकालोगे अल्फा इंटू बीटा, तो अगर मैं अल्फा प्लस बीटा करता हूं तो ऐड कर दूं, ऐड करते कट गया कितना रह गया माइनस टू, और जिस दिन मैं अल्फा इंटू बीटा निकालूंगा मुझे किसी का फील आ जाएगा टू आइटा माइनस वन, मैं इसे ढंग से लिख लूं, ध्यान से सुनना, हाँ बिल्कुल, इसको ढंग से लिखने का तरीका क्या है, इसको ढंग से लिखने का तरीका माइनस वन प्लस टू आइटा अल्फा लिखा और बीटा लिख रहा हूं माइनस वन, और मुझे यहां फील आ रही है ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका मतलब क्या, माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू आइटा का स्क्वायर, ऐसा कर दूं मैं, बैठे कि नहीं, है ना, अब थोड़ी देर बाद, है ना, तो इधर की तरफ कितना पार्ट में चालू कर दे, तो वन माइनस टू आइटा का स्क्वायर कितना होगा, टू आइटा का स्क्वायर विल बी टू आइटा का स्क्वायर, आइटा का स्क्वायर कितना होता है माइनस वन, तो ये टू का स्क्वायर फोर और आइटा का स्क्वायर माइनस वन, तो बन गया कितना माइनस फोर, तो कितना हो गया फाइव, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट ऑफ रूट इज फाइव, सम ऑफ रूट इज, तो इसका मतलब इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस टू एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। सही है, अगले क्वेश्चन का कहाँ गया वो बांटना, तो बांटे में गिर चला गया, अच्छा हाँ मैंने कहा इतना नुकसान हो गया बच्चों का बिना बांटे ही चला गया, अरे कुछ देना होगा ना, कुछ होगा भगवान जी ने। हाँ भाई अगले क्वेश्चन में आ जाऊं, थोड़ा दर्दनाक होगा तो चलेगा पक्का? चलो क्वेश्चन है, लिखेगा लेट, बहुत ज्यादा भी हो सकता है, p प्लस वन अपॉन पी, क्यू प्लस वन अपॉन क्यू, आर प्लस वन अपॉन आर इज लेस देन जीरो। ठीक है, वेयर पी क्यू आर बिलोंग्स टू रियल नंबर जीरो को छोड़ करके, ठीक है,
आगे बोलता है एंड अल्फा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ पी अपॉन पी, मॉडुलस ऑफ क्यू अपॉन क्यू, मॉडुलस ऑफ आर अपॉन आर, राइट है। आगे बोल रहा है इफ एक्स स्क्वायर प्लस एम माइनस टू एक्स माइनस एन इक्वल टू जीरो सेटिस्फाइड बाय, बातें लिख लो ठीक है, क्योंकि पहले बता दो आपके बस का नहीं है, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा, आपको लड्डू चाहिए वो दे देंगे। इज सेटिस्फाइड बाय डिस्टिंक्ट वैल्यू अल्फा देन एम प्लस एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सही है। वैसे तो आपको पहली लाइन लिखते ही अंदाजा हो गया था हीट का, सही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस तरह के क्वेश्चन देखिए, शीट आपसे तभी बनेगी जब आप शीट से बहुत ज्यादा ऊपर खेलेंगे, ठीक है ना, बहुत माने बहुत ज्यादा ऊपर, और कोशिश भी यही रहेगी अपनी, हाँ आप में से कुछ बच्चों को रवाना करना पड़ेगा, है कि नहीं, बहुत ज्यादा हल्का फुल्का स्टैंडर्ड भी नहीं चलता, कभी कभार क्या होता है ना फूस जैसे होते हैं वो हमारे लिए, अड़ते हैं वो उल्टा हमारे, आपको ये दिख रहा है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, एक ही आइडिया है मैं करूं, है ना। देखो सब पहली चीज समझो आप, क्या आप ये बात समझ गए कि आपको p प्लस वन अपॉन पी, क्यू प्लस वन अपॉन क्यू और r प्लस वन अपॉन r के नेगेटिव होने से कुछ समझ नहीं आ रहा, इसका क्या करना है आपको नहीं पता, आप ज्यादा ज्यादा आपको बहुत ज्यादा प्रेशर मारूंगा तो आप मल्टीप्लाई कर डालोगे है कि नहीं, लेकिन मैं आपकी सोच को इस तरफ घुमाना चाहता हूं कि आप में से कोई सोचे कि तीन ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव है, तीन ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव है, दिख रहा है, तो आप में से कितने लोग जानते हैं कि तीन चीजों का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव तब होता है जब तीनों नेगेटिव हो, सोचो आप, नहीं आया समझ में, या दो पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, पक्की बात, नहीं आया समझ में, या तो तीनों ही नेगेटिव हो, तीनों के तीनों ब्रैकेट नेगेटिव हो जाए, या दो पॉजिटिव एक नेगेटिव, और तो कोई तरीका नहीं है, ये बात आप समझ गए। अच्छा अब अगर आपके दिमाग में ये आ गया कि तीनों नेगेटिव हैं, इसका मतलब आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि ये p प्लस वन अपॉन पी आपकी नजर में है, हमारी नजर में ये एक ही p है, जिस दिन p नेगेटिव होगा 1 बाई पी की औकात नहीं है कि वो पॉजिटिव हो जाए, नहीं आया समझ में, अगर p नेगेटिव नंबर है तो 1 बाई पी भी नेगेटिव होगा, ऐसी बातें सुनिए और समझिए, जैसे p अगर माइनस तीन है तो 1 अपॉन माइनस थ्री भी नेगेटिव होगा, नहीं आया आपके समझ में, ये बात अभी भी नहीं आई, अगर p अगर 15 है प्लस का तो 1 अपॉन 15 भी प्लस का ही होगा, नहीं आया, क्योंकि वो 1 अपॉन है, उसे क्या है, उसे क्या फर्क पड़ जाता है, तो आपको साइन समझ में आया, तो अगर तीनों नेगेटिव है माने ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, इसका स्ट्रेट वे मीनिंग है कि इस केस में p q r तीनों नेगेटिव 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 है, अभी भी नहीं आया, तीनों नेगेटिव होंगे, p के नेगेटिव होते 1 अपॉन p भी नेगेटिव, तो दोनों का सम भी नेगेटिव, ये बात आपकी खोपड़ी में घुसी, q के नेगेटिव होते 1 अपॉन q भी नेगेटिव, नेगेटिव 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 जोड़ने पर, अरे नेगेटिव नेगेटिव जोड़ो नेगेटिव आता है, ये बात आई समझ में। अब बात करते हैं, अब पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, कोई दो जने, कोई दो जने, क्या पता सर कौन से दो, मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो कोई भी दो ले लो, किस किस को पॉजिटिव चाहते हो आप, मैंने लिख लिया पी को पॉजिटिव ले लूं और चलो क्यू को भी पॉजिटिव ले लिया, तो ऑटोमेटिकली अब आपके पास आर को नेगेटिव लेने के सिवा कोई चॉइस नहीं बची, जिस दिन आपने पी ने पॉजिटिव लिया तो 1 बाई पी भी और उन दोनों का सम भी, तो ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव, आप समझ में आ गया, लेकिन इसे फर्क क्या पड़ रहा है, अभी आपको पता नहीं है, अगली दो लाइनों में क्वेश्चन हो सकता है खत्म हो जाए, है कि नहीं, तो आपने पहली चीज यहां तक समझ ली, स्टेप वन खत्म, स्टेप टू पर जाओ, अगर बाय द वे पी क्यू आर तीनों नेगेटिव हैं तो आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव के साथ मॉड क्या करता है, पी अगर नेगेटिव है तो मॉडुलस, बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना, अगर अंदर वाला पॉजिटिव तो मॉड एज इट इज बाहर निकालता है, अगर अंदर वाला पॉजिटिव तो मॉड एज इट इज बाहर निकालता है,
ठीक है ना, जिन्हें नहीं पता वो ध्यान से सुनते जाना। अगर अंदर वाला पॉजिटिव तो मॉड एडजेक्टिव बाहर निकालता है, अगर अंदर वाला नेगेटिव तो मॉड माइनस के साथ बाहर निकालता है। दोबारा, जिन्हें ये बात समझ में नहीं है वो ये समझो, अगर कल को एक्स को, मतलब ध्यान से सुना, मॉड को अगर पता चल जाए कि अंदर बैठा हुआ एक्स पॉजिटिव है तो ऐसा का ऐसा बाहर निकल देगा कि जा भाई एक्स। लेकिन अगर मॉड को समझ में आ गया, किसी ने उसके कान में फूंक दिया कि एक्स नेगेटिव है, जैसे उसे बोला एक्स नेगेटिव, वो माइनस के साथ निकालेगा। कहानी पकड़ में आ गई? आज के टाइम पे पी क्यू आर तीनों नेगेटिव है और तीनों मॉड में बैठे हैं, तो जैसे ही मॉड को पता चलेगा तीनों नेगेटिव हैं, कैसे बाहर निकालेगा? माइनस के साथ। तो ऊपर से क्या निकलेगा? माइनस पी बाय पी आया, पास वाला क्या निकलेगा? माइनस क्यू बाय क्यू, और ये पास वाला क्या निकलेगा? माइनस आर बाय आर। क्या ये बात समझ में आ गई? नहीं आई? अगर आ गई तो आप में से कितने लोगों को ये भी समझ में आ गया, बन गया माइनस वन माइनस वन माइनस वन, अभी भी आया, कितना बन गया था? तो एक रूट माइनस थ्री आ गया। नहीं है? आपको अल्फा मिलने लग गया। अब जरा इधर दिमाग लगाओ, पी कैसा, क्यू कैसा, पॉजिटिव को कैसे निकालता है मॉड? एज इट इज, एज इट इज बाहर निकालता, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा जैसा बाहर निकाल देता। आपके दिमाग में आ गया? तो अब आपको पता है पी पॉजिटिव, तो अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा एज इट इज, पी का पी बाहर आ गया। नहीं है? क्यू के टाइम पे एज इट इज, क्यू का क्यू बाहर आ गया। आ गया? आर क्योंकि नेगेटिव है तो कैसा निकलेगा? माइनस के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस का आर बाई आर। अब आपको पता है कटा वन छोड़ गया, फिर कटा वन छोड़ गया, फिर कटा माइनस वन, कटा कितना छोड़ गया? तो अल्फा इज इक्वल टू वन। तो आपके पास अल्फा की कितनी वैल्यूज आई? अलग अलग या सेम? इंग्लिश में बोले तो डिस्टिंक्ट। तो यही लिखा है कि अगर ये इक्वेशन इज सेटिस्फाइड बाय डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ अल्फा, आपको पता है ये वैल्यू कितनी कितनी वैल्यू से सेटिस्फाई हो सकती है? दो से, जिन्हें उसके रूट्स कहेंगे। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? तो आप में से कितने लोगों को समझ में आ गया इनडायरेक्ट वे में ये दोनों इसके रूट्स हो गए, इफ इट इज सेटिस्फाइड बाय डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ अल्फा। ठीक है, तो कहने का मतलब मैं अगली लाइन के अंदर क्या लिख सकता हूं, है ना, अगली लाइन के अंदर मैं साफ लिख सकता हूं हेयर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस एम माइनस टू एक्स प्लस सॉरी माइनस एन इक्वल टू जीरो हैज रूट्स कौन कौन से? ठीक है, माइनस थ्री एंड वन कह दू। और अगर ये इसके रूट्स हैं तो आप में से कितने लोगों को यह बात समझ में आती है कि इनका सम इक्वल टू कितना? अरे बावड़ो, माइनस बी बाय ए, इनका सम इक्वल टू माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी बोलते हैं कितना लिख दो? माइनस एम माइनस टू डिवाइड बाय वन। नहीं आया? और इनका प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट बोले तो माइनस थ्री मल्टीप्लाइड बाय वन इक्वल टू कितना? सी, सी के वैल्यू माइनस एन बाय वन, तो n की वैल्यू, अच्छा जिन्हें पता वन का तो हटा लो दिमाग से, माइनस एन प्लस टू, प्लस का टू और ये कितना? माइनस का टू, कटेगा तो नहीं ये m टू इधर आकर के, तो m इज इक्वल टू, m इज इक्वल टू फोर, n की वैल्यू कितनी आ गई? फोर, n की वैल्यू कितनी आ गई? तो m प्लस एन इज इक्वल टू, क्वेश्चन खत्म। अभी भी नहीं आया? अब आपने से कितने लोग इसको डिफाइन करना सीख गए? डिफाइन करना बेसिकली क्या कहानी है? मॉड की कहानी। क्या मेरी बात समझे? मॉड का तरीका क्या है? अगर अंदर वाला पॉजिटिव तो कैसे निकालेगा? एज इट इज, शब्दों पे जाइए, अगर अंदर वाला पॉजिटिव तो एज इट इज निकालेगा, अंदर वाला नेगेटिव तो माइनस के साथ, माइनस के साथ। नहीं याद रखना चालू करो आप, हाँ भाई ये उतना बुरा क्वेश्चन तो नहीं था ना जैसा लग रहा था कि ये पता नहीं दिवाली होमवर्क है। नहीं, अगले क्वेश्चन लाते हैं। आप मुझे ऐसे क्वेश्चन तो करने की जगह दीजिए, नहीं तो जो नहीं देगा मैं उसे धीरे धीरे हटवा ही दूंगा धीरे धीरे, ठीक है, मैं भगा दूंगा बैग से। चार टीचर और चल रहे हैं, कहीं जाके बैठ जाएगा, कुछ जरूरत थोड़ी ना मेरे से पढ़ना, हिंदी मीडियम बैठा लेंगे। नहीं तो लेवल बढ़ाएगा ना धीरे धीरे,
बैठेगा यहां, धीरे धीरे लेवल बढ़ाना पड़ेगा उसको, और इसमें बुराई क्या है? गधों के साथ बैठेगा गधा बनेगा। सुना होगा ना वो एक शेर का बच्चा लोमड़ियों में रहा है कि नहीं, तो बड़ा होने के बाद जो पहली बार दहाड़ा तो उसके एक बार समझ में नहीं आई मेरी आवाज कैसी होगी, वो भी रोज रात को रोता था सियारों के बीच में रह करके। एक बार गलती से उस पर हमला हो गया, आक्रमण होते ही क्या हुआ, वो गलती से उसके एकदम से जोर से दहाड़ निकल गई, दहाड़ निकलते सारे लोग भाग गए और उसको 5 मिनट तक तो वो ऐसे मुंह के हाथ रख के बैठा रहा कि मेरी आवाज के अंदर क्या हो गया। फिर उसने अपने आप को देखा कि मैं पानी में अलग दिखता हूं, ठीक है, और बाकी लोगों से, इसका मतलब मैं वैसा नहीं हूं, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपको पता नहीं होता, आप जिनके बीच बैठे होते हो ना वो आपको अपने जैसा रंग देते हैं, ठीक है। चले आगे, अगले क्वेश्चन पे आइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एम स्क्वायर माइनस 3x² प्लस 3mx प्लस 3m प्लस 1 इक्वल टू 0। हैज रेसिप्रोकल रूट्स, टू ईच अदर, देन एम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। करिए, पहली सोच आप ही की होगी हर बार, फर्स्ट अप्रोच आप ही लगाओगे। करवा चुका हूं मैंने, करवा दिए हाँ, तो मेरी कॉपी मत करना, अच्छा डोंट वेस्ट टाइम, अगले पे चलो। ये लोग बता रहे हैं करवा चुका हूं, ठीक है भाई, अगले पे जाओ, चले आगे। अगला क्वेश्चन सुनिएगा आप, इंटरेस्टिंग। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है, लिखिएगा, फाइंड ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन दी जा रही है एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस 10 प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज इंटीग्रल रूट्स। ए की वो वैल्यू बताइए जिसके लिए ये इक्वेशन के रूट्स इंटीजर्स हो जाएं, इंटीजर्स हो जाएं, इसके रूट्स इंटीजर बन जाएं, ठीक है ना। पूरा खोपड़ी क्वेश्चन है, इसे और बात कर रहे हैं, लिख लिया आपने क्वेश्चन, लिखते हैं अब जरा दिमाग लगाना, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब आप सोच नहीं सकते इसमें क्या होता है। स्टूडेंट रूट के पीछे पड़ जाता है जबकि उसका उसका जो मतलब मॉडुलस अपरेंट वो एकदम अलग है। आप में से कोई भी सोच सकता है कि मैं इसे ऐसे लिख दूं तो गलत नहीं है। हाँ, कितने लोगों को समझ में आया दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन माइनस वन है, सही है। अच्छा, टेन एक इंटीजर है ना, अच्छा इसके रूट्स भी इंटीजर है, रूट्स आर द वैल्यूज ऑफ एक्स, इसका मतलब एक्स एक इंटीजर है, इंटीजर एक्स कैसा है इंटीजर, राइट ना भाई, मैं पहले लिख देता हूं आप भूल नहीं जाओ, एक्स एक इंटीजर, टेन एक इंटीजर। कितने लोगों को पता है इंटीजर माइनस इंटीजर, इंटीजर, तो मैं इंटीजर लिख लेता हूं, सही है। इसका मतलब ये ब्रैकेट कैसा है इंटीजर, अच्छा एक्स कैसा है इंटीजर, राइट ना भाई। ए, अच्छा ए की वैल्यू कैसी है इंटीग्रल, इंटीग्रल माने इंटीजर, ए की वैल्यू कैसी है इंटीजर, तो ए भी कैसा इंटीजर माइनस इंटीजर। अब आप समझ गए, ये भी एक इंटीजर, ये ब्रैकेट भी एक इंटीजर, ये ब्रैकेट भी एक इंटीजर, दो इंटीजर मल्टीप्लाई होकर क्या दे रहे हैं, ऐसे कौन से दो इंटीजर हैं जो आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस वन देते हैं, होते हैं सोचो, एक
हाँ हाँ ऐसा नहीं सोचो, आंसर वन इंटू माइनस वन। दुनिया में ऐसे दो ही तो इंटीजर है, एक वन और एक माइनस वन, और उसके सिवा कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं आया समझ में? तुक्का जबरदस्त भरपूर लेकिन दिमाग का खेल है। आपको बात तो समझ में आ गया कि एक हो सकता है वन, एक माइनस वन, या उल्टा भी हो सकता है माइनस वन वन, और इसकी जगह कुछ हो ही नहीं सकता। दुनिया में कोई दो चीजें मल्टीप्लाई होकर माइनस वन देती ही नहीं है, देती है। कई बच्चों को लगेगा दो इंटू माइनस एक बटा दो, बोलो देरी है कि नहीं? आपका आप तो हाँ ना, मैं सोचो फटाफट सोचो, देरी है ना? लेकिन ये इंटीजर है और ये नॉन इंटीजर है, 0.5 नॉन इंटीजर नहीं है। इसका मतलब ये कि माइनस वन देने वाली फैक्ट्री दो जगह, अपन क्यों दिमाग लगा रहे थे? इसका मतलब अपने को ये बात समझ में आई कि वी हैव ओनली टू केसेस। फर्स्ट केस, पहला केस क्या हो सकता है, और दूसरा केस क्या हो सकता है, केस टू। केस वन क्या है, व्हेन फर्स्ट वन एक्स माइनस ए, भैया तू वन है, एंड उसी टाइम पे एक्स माइनस टेन कितना है, माइनस वन, राइट है। या दूसरा केस क्या हो सकता है, एक्स माइनस ए तू माइनस वन बन जा, एंड एक्स माइनस टेन क्या बन जाएगा, वन। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? अब आप में से कितने लोग ये बात भी समझ गए कि x माइनस टेन इज इक्वल टू वन है, तो इसका मतलब पक्की बात है x इज इक्वल टू 11, पक्का। और जिस टाइम x इज इक्वल टू 11 तो ये वाला x थोड़ी ना अलग होगा, ये भी तो 11 हो गया। इसके 11 होते ही 11 माइनस ए इज इक्वल टू माइनस वन, इसका मतलब a इज इक्वल टू 12 आ गया। a की वैल्यू तो चाहिए थी उसे, तो a इज इक्वल टू 12। अब आप में से कितने लोग सोच रहे हैं इधर x की वैल्यू, बोलो आप 9, x की वैल्यू 9 यहां रख दूं तो 9 माइनस ए इज इक्वल टू 1, इसका मतलब a इज इक्वल टू 8, a इज इक्वल टू 8 और 12, टू वैल्यूज ओनली। नहीं आया समझ में? कहानी पकड़ में आ गई आपको? हाँ, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस में से एक है, और मतलब पॉपुलर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट तो खैर झड़ी है, इंपॉर्टेंट भी तो क्या, इंपॉर्टेंट कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा चैप्टर है ना, मतलब लेवल है, लेवल इस चैप्टर का खुद का। थोड़ा बहुत कभी कभी आपको एकदम कोफ्त होने लगेगी, लेकिन मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम जगह यू विल एंजॉय, आपको लगेगा एक से एक जबरदस्त चीजें बनती है इसमें। एक और बिल्कुल आपकी हड्डी तोड़ क्वेश्चन दे दूं, है कि नहीं? चलिए देखिएगा, मतलब मैं दो तीन दिन तक एक्सपेरिमेंट करूंगा कि आप पैरों पर चलना सीख जाएं। फटाफट क्वेश्चन लिखना, ठीक है? ये मैं हर बार जरूर लिखता हूं रियल, ताकि कोई मजाक नहीं करे, है ना? रियल, सब रियल है, ताकि किसी भी तरह की खराब संभावना का केस ही नकार दिया जाए। आपने क्वेश्चन लिख लिया, लिख रहे हैं, लिखो आप, इफ रूट्स ऑफ दिस आर इक्वल देन प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, ठीक है? हाँ भाई, क्वाड्रेटिक दिखी क्या?
है कि नहीं? अगर आपने क्वाड्रेटिक देख ली, ये हमारे लिए क्या बन गया, ये रूट्स आर इक्वल। अगर रूट्स इक्वल है तो रूट्स के इक्वल होने पर डी इक्वल टू जीरो। लेकिन अगर अपन को दिख रहा है, जो दूर तक देख सकते हैं बच्चे, वो जानते हैं इसका डी करना मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। पगलाने वाले पक्का इक्वल टू जीरो होते हो तो दीवाने हो जाएंगे, मतलब पागल हो जाएंगे पागल। ये तो बात समझ में आ जाएगा, आंसर आएगा। लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं, जैसे कोई अगर पीछे पड़ जाए नीट में तो डी इक्वल टू जीरो करूंगा, आंसर आएगा कि नहीं आएगा, नो डाउट आएगा। लेकिन यहाँ हम ये नहीं सीखेंगे, साथ में ये भी सीखेंगे कि अकल कैसे क्लिक करी। जैसे उसमें अकल लगी, क्या मतलब पता, माइनस वन आई, ये दो चीजों से सकता है, ठीक है ना। वैसे इसमें देखना एक चीज, मैं आपको देखो जरा एक चीज जिसकी स्मेल आपको आ जानी चाहिए थी, है कि नहीं, वो मैं आपको दिखाता हूँ जरा, बड़े ध्यान से देखिएगा। ये लिखा है ए स्क्वायर, हाँ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखा है। क्या लिखा है? ए स्क्वायर, देख लिया हमने। मैं कह रहा हूं ए स्क्वायर के साथ में इसे और फिर इसे बी स्क्वायर को अलग कर लेते हैं, क्या है दिखेगा बताओ। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, आगे बोलो, ए बी नहीं बोला मैंने, माइनस टू ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर, पक्का भाई? अच्छा प्लस, अब जरा इनको भी अलग करवा दो, बी स्क्वायर इसको और इसको, कितना हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस टू बी सी एक्स, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू बी सी एक्स प्लस सी स्क्वायर, पक्का? अच्छा प्लस में क्या, अगले में क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू सी डी एक्स प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू कितना, जीरो। अब जरा इधर दोबारा दिमाग लगाना, मैंने इसको सिर्फ ढंग से लिखाई है, कुछ नहीं करा भी। क्या आप में से कोई जानते हैं ये किसी का होल स्क्वायर है? कौन बताएगा? क्योंकि तुक्का नहीं, ऐसे नहीं आता, बोलो क्या ax माइनस b का होल स्क्वायर, ये कह रहा है सही है क्या? अगला वाला bx माइनस c का होल स्क्वायर, अगला वाला cx माइनस d का, कितने लोगों को, बैठो ना, कितने लोगों को लगता है किसी का भी स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो आपको यहां दिख रहा है सम ऑफ थ्री पॉजिटिव नंबर, सम ऑफ थ्री पॉजिटिव नंबर्स इक्वल टू कितना, जीरो। आप बोलते तीन पॉजिटिव नंबर्स का सम जीरो तभी हो सकता है जब तीनों जीरो हो। अरे किन्हीं भी चीजों का सम नेगेटिव, सम जीरो तभी आता है जब जितना पॉजिटिव होता है नेगेटिव बन जाए। लेकिन यहां तो तीनों स्क्वायर वाले हैं तो नेगेटिव तो कोई दे ही नहीं सकता। अब एक ही चॉइस बची, तीनों एक साथ जीरो हो जाओ, ये भी जीरो हो जाए, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो जीरो आ जाएगा। क्या आपको बात समझ में आई? तो कहने का पॉसिबल ओनली व्हेन ऑल थ्री इक्वल टू जीरो, जब ये तीनों के तीनों जीरो हैं, और इन तीनों के जीरो होते हैं इट इज ए एक्स माइनस बी इक्वल टू जीरो, और दूसरी तरह से बी एक्स माइनस सी इक्वल टू जीरो, तीसरी तरह से सी एक्स माइनस डी इक्वल टू जीरो। और आप तो जानते ही हैं कि एक्स इज इक्वल टू बी बाई ए, एक्स इज इक्वल टू सी बाई बी, एक्स इज इक्वल टू, और तीनों ही अगर एक्स इक्वल है तो इट इज बी बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी इज इक्वल टू डी बाई सी। हो गया प्रूफ, कहानी पकड़ में आ गई, है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग है। नॉर्मली नहीं तो हमारा दिमाग कैसे चलता है, बी इक्वल टू जीरो से, ठीक है ना। बैल नहीं बजाएगा, ये 60-10 होती है ना, ठीक है, अपन खुद ही अपनी तरफ से डिक्लेयर कर देते हैं ना, ठीक है। आज मैं आपको कोई काम नहीं दे रहा, वो उतना ही जितना मैंने प्रोडक्ट को दिया वही,